कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक मैंने रखा है वो है कि आपका जो है लाइफ पर्पस क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज से हो जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ आवर लाइफ पर्पस, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। वो एक प्रोफेशनल वे में भी हो सकता है या हमें इंटरनली ऐसी फीलिंग आती है कि हम जॉब भी कर रहे हैं, हम बिज़नेस भी कर रहे हैं, पर हमें अपने लाइफ का पर्पस अभी भी सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हैं और मैंने इमेज डाल दी थी, तो आप अगर कार्ड से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे या कार्ड से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो हैं ये श्री कृष्णा जो हैं पाइल को चुन सकते हैं या फिर बुद्धा, दोनों में से आपको जो भी पाइल जो है वो सही लग रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चुन सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट पाइल है ये बुद्धा की, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। तो मैं आपको पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। कार्ड्स हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का और 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो आप जो हैं अभी इस वक्त में पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं यहाँ पर जो है लाइफ पर्पस की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ थोड़ा प्रोफेशनल वे में देखना चाहती हूँ। मैं जो है इसीलिए मैं 4 पेंटिकल्स जो है ये मुझे ये चीज़ शो कर रहा है कि आप काम की बजाय आप मनी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मनी कैसे बन जाए और आप उस चीज़ को होल्ड करके बैठ गए हैं कि आपको लगता है कि मनी चाहिए बस, दैट्स इट। पर आप जो है अगर आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो मनी आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी डिवाइन की तरफ से, आपके कर्मास के आधार पे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि आपको मनी ही चाहिए तो ये आपकी मेंटली हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा और फिजिकली के लिए भी, क्योंकि जब हम अपने क्षमता से ज़्यादा वर्क करते हैं तो हम फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास जो आया था वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है गॉड जो आपको ये बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को नहीं देख रहे जो आपके पास है। आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मैं मनी बनाता जाऊँ, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप जो हैं वो ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मनी जो है वो आप इस बारे में सोच रहे हैं, पर ये जो है ये ठीक नहीं है। इसीलिए गॉड आपको ये बोल रहे हैं कि आप मनी से ज़्यादा अपने काम पर फोकस कीजिए, आपको मनी ज़रूर मिलेगी, आप जो चाहते हैं ज़रूर मिलेगा। और जो गॉड ने आपको दिया है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए गॉड को कि गॉड ने आपको इतनी सुंदर लाइफ दी है और आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो है अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकें। देखिए यहाँ पे मेरे पास टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। तो टेम्परेंस का जो कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो है वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक साइन है कि आप जो है लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो जब बैलेंस होती हैं तो हमारी जो लाइफ होती है वो आगे प्रोग्रेस भी करती है और एक आगे पॉजिटिव वे में मूव करती है।
देखिए उसके बाद मेरे पास आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज जो होती है वो हमें ये बताती है कि एक एनर्जेटिक न्यू बिगनिंग जो करना चाहता है, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, आप जो है न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव बना सकूं और जो है लाइफ में ग्रोथ कर सकूं। और ये बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं और इन्हें न्यू एक्सपेरिमेंट करने का भी, जो क्योंकि ये एक यंग जो है एनर्जी का साइन होता है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको न्यू चीज़ें करना, एक्सप्लोर करना लाइफ को, ट्रेवल करना और जो है आपको चीज़ों को नए तरीके से देखना ज़्यादा जो है वो पसंद आता है। और देखिए टेम्परेंस का जो कार्ड यहाँ पर आया था, तो टेम्परेंस का कार्ड जो होता है वो हीलिंग का भी होता है। तो लाइफ में जब हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं तो ये जो है ये हमारे एक स्पिरिचुअल कार्ड भी माना जाता है। तो उसके ऊपर जो है वो डिवाइन का जो होता है हाथ होता है और आप जो है लाइफ को बैलेंस करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है वो थोड़े स्पिरिचुअल भी हों, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए उसके बाद मेरे पास आपके लिए तो फूल का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जो है वो अगर कुछ भी अभी ऐसा आपको लग रहा है कि पॉजिटिव नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा सही सा नहीं चल रहा है, तो आगे टाइम अच्छा आने वाला है। तो दो फूल का जो कार्ड होता है वो न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, न्यू एनर्जी, न्यू चीज़ें जो हैं लाइफ में एंटर करती हैं। तो ये आपके लाइफ का पर्पस भी है कि आप जो है चीज़ों को एक पॉजिटिव तरीके से देखें। अगर आपकी लाइफ में अगर अभी कुछ भी चीज़ आपको ऐसे लग रही है जो कि सही नहीं हो रही है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि अगर आप गॉड को ग्रैटिट्यूड देंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे और अपनी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में देखेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे, तो आगे जाके जो है फुल ऑफ अबंडेंस है और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी वेल्दी होने वाली है। डॉग्स हैं तो डॉग्स जो होते हैं वो एक फ्रेंडशिप भी शो करते हैं, गुड नेचर की और लॉयल, जो भी आपके पर्सन होंगे वो लॉयल होंगे, फुल ऑफ अबंडेंस है और दो ब्यूटीफुल कपल्स हैं। तो ये आपका लाइफ का जो पर्पस है वो ये है कि मेन चीज़ जो है कि आपको लाइफ में बैलेंस करना सीखना होगा और चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखना होगा एनर्जेटिकली, पॉजिटिव वे में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो उसके बाद मैंने आपके लिए जो है एंजल नंबर लिया था, वो 666 आया था आपके लिए। दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द एंजल दैट इट इज़ अ टाइम टू टेक अप टू हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ, रिटर्न टू द बैलेंस। सी मैंने आपको जैसे बताया था कि ये देखिए आपका जो कार्ड आया है टेम्परेंस का, तो एंजल्स ने भी आपको यही मैसेज दिया है कि आपको यू नीड टू बी बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड डू सम इनर वर्क so that your energies will balance in a professional way, in a personal way, and let's check some personal messages for you. It's अगर आपकी लाइफ में कोई आपका कोई पर्सन है तो वो आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है उसका, और डे ड्रीमिंग, आप अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपनी ड्रीम जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जो है आप वो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। देखिए गिव ग्रैटिट्यूड, मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है गॉड को, और ये कार्ड भी आ गया आपके लिए, लविंग बनिए, थोड़ा सा जो है आप लविंग बनिए अपनी लाइफ में एंड फील हैप्पी। ये देखिए जैसे कार्ड मैंने आपको शो किया था, दिस वन इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को देख रहा है जो उसके पास नहीं है। एक पेंटिकल उसके पास नहीं है लेकिन उसके पास इतना सारा गॉड ने दिया है, वो उसे नहीं देख रहा है। तो गिव ग्रैटिट्यूड एंड फील हैप्पी, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं होता है। सैडनेस को रिमूव कीजिए,
प्लीज़ टू मीट यू, हो सकता है कि आपको कोई न्यू, मैंने जैसे बताया द फूल, तो इसमें प्लीज़ टू मीट यू है, तो हो सकता है आपको कोई न्यू ऑफ़र जल्दी ही मिलने वाला है। फूल का कार्ड भी आया था, तो बेस्ट ऑफ लक टू पाइल वन, जो भी न्यू जॉब, न्यू बिजनेस या कोई पर्सनल लाइफ में भी कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पर्सनल लाइफ के कार्ड सभी नहीं निकाले थे, मैंने आपकी लाइफ पर्पस के लिए निकाला था। तो आइए अब देखते हैं कि हमारी जो इट्स अ जर्नल रीडिंग, मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को पहले भी बताया है, तो अगर आप लोगों को किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर या फिर मेरे एफ बी पर दीपिका मेडिटेशन पावर पर, ज्वाइन कीजिए मेरा इंस्टा, मैं वहाँ पर डेली अपलोड करती रहती हूँ कुछ ना कुछ न्यू, या मेरा एफ बी पेज है दीपिका मेडिटेशन पावर, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे वीडियोस जो हैं आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर जो न्यू आए हैं वो मेरी इस छोटी सी फैमिली में जो हैं वो उनका मोस्ट वेलकम है, और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह हमारा जो है ये चैनल है आगे बढ़े और सभी को एक पॉजिटिविटी मिले। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे ये जो कृष्णा हैं इनकी जो पाइल जिन लोगों ने सिलेक्ट की है उनमें क्या आया है। आई विल शो फर्स्ट फाइव ऑफ वांड्स, द मैजिशियन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ सोर्स। तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करना चाहूँगी टू ऑफ पेंटिकल्स से। टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है अभी उसके अंदर जो है वो जगलिंग हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग सी यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है, कंफ्यूजन भी हो रही है। और अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए नेगेटिव हैं, जो आपके लिए नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप जो है उनसे अलर्ट रहें, कि आप थोड़ा सा नोटिस करें कि हु इज़ गुड फॉर यू एंड हु इज़ नेगेटिव फॉर यू। लाइफ में कंपटीशन काफ़ी है। तो उसके बाद जो है मेरे पास टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो टू ऑफ कप्स जो है वो जेमिनी को भी शो कर, सॉरी टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जेमिनी के लिए द लवर का कार्ड होता है। तो टू ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी पर्सन है तो जो वो है वो आपके लिए बहुत लकी होगा, और वो डिवाइन से आपको जो सपोर्ट मिलेगी, आपकी लाइफ जो है आगे अच्छे से ग्रोथ करेगी, तो वो पर्सन आपके लिए लकी हो सकता है जो भी आपकी लाइफ में अभी है, या आपकी जो है फ्यूचर में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपके लिए लकी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए उसके बाद जो है मेरे पास द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि अगर आप जो है पर्सन है आप जो कि अपने जो डिसीज़न है वो खुद लेना चाहते हैं, एनर्जेटिक हैं काफ़ी, और चीज़ों को काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद में आप जो है निर्णय लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को पहले एनालाइज़ करना चाहिए, किसी भी नतीजे पर हमें जो है एकदम से जंप आउट नहीं करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि क्या ये वाक्य में ही चीज़ें जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, या किस तरह की सिचुएशन है उसे हमें पहले देखना चाहिए।
तो ये इस तरह का कार्ड है कि एक फुल पावर में आ जाए आएंगे आप जब ये मैजिक आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में आप फुल पावर में आ जाएंगे एनर्जेटिकली, इमोशनली एंड चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपनी लाइफ को आगे आप पॉजिटिव वे में बढ़ाएंगे और अपने डिसीजंस जो हैं वो आप खुद लेंगे। आप किसी के सहारे नहीं बैठेंगे कि मेरे को ये बता दो, ऐसे कर दो। ठीक है, आप सजेशन लेंगे, एडवाइस लेंगे, लेकिन डिसीजन जो भी होगा वो आपका स्वयं का होगा। उसके बाद देखिए आपके मेरे पास ये टेन ऑफ पेंटिकल्स का जो है हमारे पास, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स का जो है मेरे पास कार्ड आया है। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये लेडी को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल खुश है, एकदम मनी इधर है, पेंटिकल्स हैं, तो फुल ऑफ अबंडेंस है और हैप्पीनेस है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी लग रही हैं ये और चेयरफुल लग रही हैं एकदम। और यहाँ बर्ड भी बैठा है, तो एक फ्रीडम है, एक अबंडेंस है, एक केयरिंग नेचर है दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर कार्ड है, मतलब फुल ऑफ अबंडेंस का कार्ड है ये आपके लिए। तो करना आपको यही है कि आपको लाइफ में आपकी सेम फर्स्ट फाइल की तरह ही है कि आपको लाइफ में जो है वो बैलेंस लेकर आना है। बैलेंस लाना चाहे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कीजिए, जो भी आपकी लाइफ के नेगेटिव पीपल हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। आपको ये देखना है कि हु इज़ ट्रस्टवर्थी फॉर यू, हु इज़ थिंकिंग, हु इज़ थिंक पॉजिटिव फॉर यू। और कोई भी पर्सन आपके लाइफ में है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाला कनेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टैरो से। उसके बाद हम देखते हैं 222 आपके लिए आया है। अलाउ योर सेल्फ टू क्रिएट विद ब्यूटी सेल्फ लव रैदर देन फोर्स। आपको चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, ठीक है ना। आप चीज़ों को फोर्स मत कीजिए, चीज़ें जैसी चल रही हैं उन्हें पॉजिटिव वे में देखिए, थोड़ा सा केयरिंग बनिए। सेकेंड चांस, हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिला हो और आपको वो आपने वो रिफ्यूज़ कर दिया हो, या उनकी तरफ से कोई रिफ्यूज़ हो गया हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या पर्सनल लाइफ में हो, कुछ भी हो, तो वो आपको सेकेंड चांस जो है वो मिलने वाला है। ब्यूटीफुल, जो भी आपका सोलमेट होगा वो ब्यूटीफुल होगा और वो ट्रू लवर भी होगा। आई ऑन यू, हो सकता है कि वो आपको पहले से जानते हो तो वो आप पे नज़र रख के बैठे हैं। न्यू बिगनिंग भी होने वाली है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। तो रिमूव नेगेटिविटी, सबसे पहले आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है और अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और मुझे क्वेश्चन कीजिए, बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, तो मैं उसी तरह के वीडियो बनाऊंगी। और हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस जो है वो फैल गया है, तो आप अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखिए, ताकि ये जो वायरस है ये हमारे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से जल्दी ख़त्म हो जाए और सभी स्वस्थ रहें। कीप स्माइल, स्टे फिट ऑलवेज एंड बी हैप्पी।